क्या संसार में कोई भी शब्द निरर्थक है? क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो रोग का निवारण ना करे? नहीं, ठीक इसी प्रकार इस संसार में कुछ भी अयोग्य या निरर्थक नहीं होता। हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक महत्व होता है, एक आवश्यकता होती है। परंतु बड़ा वो निरीक्षक होता है जो उन्हें पहचानता है, जैसे कि एक ज्ञानी शब्दों की शक्ति को पहचानता है, जैसे कि एक वैद्य किसी बूटी में छिपे उसके गुणों को पहचानता है, जैसे कि एक जौहरी कोयले में छिपे हीरों को पहचानता है। इन सब बातों का सत्व ये है कि यदि आपको श्रेष्ठ होना है तो कमियां देखना छोड़िए और गुण और विशेषताएं देखिए। आपका जीवन सफल और सरल हो जाएगा। भी मोटी है। उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तुझे मारने के पश्चात, उन पांडवों का वध करने के पश्चात, उस पांच पत्तियों वाले पांचाली का पूरे कुरु सभा के बीच फिर से वस्त्र धारण करूंगा और अपनी इसी चंगा पर बिठाऊंगा। श्रद्धांजलि है मेरे 99 भाइयों के लिए।
प्रहार करो इस पर। क्या रहा है स्वयं स्वयं महाबली बलराम के होते हुए इस प्रकार नियम का उल्लंघन कैसे हो सकता है? बलराम को कुछ करना होगा। ये छल है बॉस। नियम भंग हुआ है। रुक जाइए दाऊ, आपने कहा था कि जो नियम भंग करके विजय प्राप्त करेगा तो आप उसे दंड देंगे, किंतु अभी जय विजय का निर्णय नहीं हुआ है दाऊ। आप भीम को अभी दंडित नहीं कर सकते।
अंत हो गया, अधर्म का अंत हो गया। ज्येष्ठ 45 से कहना, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली। ये 100 हाथी के बल वाला भीम 100 भ्राताओं का हत्यारा बन बैठा। आज ये देव पुत्र अपने भ्राताओं का रक्त पीने वाला राक्षस बन बैठा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली पांचाली, तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैंने ले लिया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृकोदर भीम। हार गया ये वृकोदर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम तोड़ा है भीम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म स्थापना के लिए यह आवश्यक था और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिए भी। माधव ने मुझे मार्ग दिखाया, परंतु यदि माधव के ज्येष्ठ मुझे यम के मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सच्चा हूं। श्री बलराम। हाँ बलराम, अंत कर दो इस दुष्ट का। यह हत्यारा है, इसने मेरे 100 पुत्रों की निर्दयता से हत्या की है। जिन पांडवों ने मेरे वंश के वृक्ष की जड़ों को काटा है, काट डालो उनके वंश के वृक्षों को। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव? आपके दिए गए वरदान के पश्चात भी ये माता अपने पुत्र, अपने दुर्योधन को उस कृष्णा के छल से नहीं बचा पाए। ये कैसा न्याय है आपका? इसने 100 पुत्रों के गर्वित पिता को पुत्रहीन कर दिया। इसने एक अंधे के सभी स्वप्नों को अंधकार में डाल दिया। अंत कर दो इसका, मार डालो इसको अल्दर। यदि मुझे कोई तर्पण करने वाला जीवित नहीं तो इनका तर्पण करने वाला भी शेष नहीं होना चाहिए।
एक क्षण रुक जाइए दाऊ। नहीं काना, अब मत रोकना मुझे। अब मैं बंधित नहीं हूं। मैं अधर्म को तो नहीं रोक पाया, परंतु अधर्मी का नाश अवश्य करूंगा। किंतु अधर्म कहां हुआ है दाऊ? भीम ने नियम भंग करते हुए दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया, क्या यह अधर्म नहीं? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है काना, फिर भी तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो? आता हूं, क्योंकि ये प्रश्न उचित है। माना कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु गदा युद्ध तो तभी समाप्त हो गया था दाऊ, जब दुर्योधन ने भीम के हाथों से गदा गिरा दिया था। किंतु उसके पश्चात क्रोध के कारण दुर्योधन निहत्थे भीम पर निरंतर गदा से प्रहार करते रहे, क्या ये उचित था दाऊ? नियम तो दुर्योधन ने तोड़ा था, विकोदर भीम तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास किया था, जिसके कारण विकोदर को विवश होकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना पड़ा। और दाऊ स्मरण रहे, नियमों को भंग करना तो दुर्योधन ने प्रारंभ किया। दाऊ जब दो योद्धा आपस में युद्ध करते हैं तो वो एक दूसरे को उकसाते हैं, किंतु किसी की कुल वधू का मान मध्य में लाना और उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं होता है दाऊ। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठाए?